आप खुद कॉपरेट करें, वो स्टेज पे यार ऐसे तो मिल नहीं पाएंगे आप। आप यहाँ से जगह बनाए तभी अंदर आ पाएंगे। मशाल भाई आपके पीछे आ रहे, पीछे जाओ। इतनी मजबूरी नहीं है कि पैदल चलूं मैं, बस खुद को गरमाता हूँ इबादत में रहने के लिए। बस मैं खुद को गरमाता हूँ इबादत में रहने के लिए। आप जगह बनाए, आज थोड़ा सा माहौल बनाए। देखो ये डेक कॉलम भी रखे हुए हैं पास में। पीछे माशाल्लाह, क्या भाई हमारे बीच आ चुके हैं। पीछे यहाँ पर एक भी आदमी स्टेज पे ऊपर नहीं आएगा। और पुलिस कर्मियों से की अपील है, या स्टेज के बाजू में आ, किसी के ऊपर नहीं आने दे। स्टेज टूट जाएगा, स्टेज टूट जाएगा, स्टेज टूट जाएगा, कोई ऊपर नहीं आएगा, स्टेज टूट जाएगा। रोक लो, दिल रोक लो, ब्लॉक कर दो, बस ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, कोई ऊपर नहीं आएगा। बहुत बहुत दिल की गहराई से आपका मुबारक। अल्लाह आपके इस हज को कबूल करे। आप बड़ा मेहरबानी बैठ जाए, आपसे मुखातिब होंगे, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बैठ जाओ। पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि थोड़ा सा हमारे इस मोहब्बत के अंदर जो है वो एक जुनून है। मोहम्मद इकबाल साहब फरादी समाज के अध्यक्ष साहब, उनका खैर मकदम करें, उनका वेलकम करें। जनाब सलीम साहब का किशोर राज पुरोहित साहब स्टेज पर आगे तशरीफ लाएं। आजी अभी इसी वार्ड 44 के इरफान बेली भाई, पार्षद वार्ड 44 इसी एरिया से इरफान बेली साहब, एक अशोक मेयर साहब शख्सियत, खालिद कादरी साहब, उनका खैर मकदम करें इरफान बेली भाई का। और इस तवील और लंबे सफर में कई दिक्कतें आई, कई परेशानियां आई, हजारों लाखों लोग मिले, उनकी डिटेल अभी आप खुद सिया भाई से सुनेंगे। तो लिहाजा आप थोड़ा बैठ जाए। यात्रा हमें आप रखिए पैदल, ये एक बहुत बड़ी सराहनीय चीज है और आपको फख्र होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को फख्र होती है। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा, देखिए सबसे बड़ी चीज है आप उसकी से भावना प्यार मोहब्बत, आप आपस में मिलते रहिए। हिंदू धर्म सिख धर्म सारे धर्म हम आपके साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है मानवता की सेवा। अगर आप कोई भी दुनिया में ताकत आप आपस में क्या करिए, बदरीनाथ जाखम साहब पहले बोल दीजिए प्लीज। सिन्हा भाई का इस अपने जोधपुर में बहुत बहुत खैर मकदम है। माशाल्लाह ये क्राउड, ये आपसे मोहब्बत, ये यादगार लम्हे आप भी। नवाजेंगे तो याद रहे, ये देखो मगरिब का वक्त भी करीब आ रहा है, तो उससे पहले
ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप बड़ा मेहरबानी आप पीछे बैठ जाए ताकि उन बच्चों को भी आने में तकलीफ नहीं हो, और सभी बच्चे जिनके नाम इस फहरिस्त में है वो आगे तैयार रहें और वन बाय वन एक साथ ही ऊपर आ जाएं, ताकि इसमें जो एक लंबा प्रोसेस ना हो और जल्द सब बच्चे इनाम पा लें। तो मेरे मुस्लिम भाई ईदगाह से अभी तो इतना बड़ा हल आया है कि आप तो आइए, ये इसके लिए आपने ईदगाह के रस्ते से खड़े होकर आपने ऐलान किया कि आप आइए हम आपके हैं, और 90% से अबो जो प्राप्त किए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और आने वाले समय में वो अच्छी तरक्की करें और इसको उनका नाम रोशन किया। इंडिया का बेस्ट प्रोग्राम जोधपुर है, लेकिन आलम भाई मेरा सफर पूरा ऑर्डर किया, हर वक्त मेरे को सफर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 1 साल 17 दिन का सफर केरला से मलप्पुरम जिला आदिलनाड पंचायत जोधपुर मेरा गांव है, इधर से 1 साल 2 जून से मैं निकला, 1 साल 17 दिन में मकुदुल मुकरम किया। आपने अपनी हज यात्रा कैसे मुकम्मल पहले 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 से निकल, सीढ़ी से निकल, राइट 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 राइट।